ये महिला 1008 दिनों तक सिर्फ संतरे खाकर 20 साल जवान महसूस करने लगी। पाचन अग्नि सबसे असरदार तभी होगी जब फल खाए जाएं। फल बेहतरीन है। फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। आप बहुत जीवित और सक्रिय हो सकते हैं। आपका दिमाग बेहतरीन काम कर सकता है और पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छा है। सद्गुरु, आपने कहा है कि हमारे भोजन का हमारी मानसिक स्थिति पर असर होता है। मेडिकल साइंस बताता है कि कैसे फल और सब्जियां मानसिक सेहत को बढ़ावा देती हैं। इसका क्या कोई महत्व है? और ज्यादा फलों वाला आहार क्या कोई खास साधना करने वालों के लिए ही है, या फिर परिवार के साथ रहने वाले, या ज्यादा काम या शारीरिक गतिविधि करने वालों के लिए भी है? किसी मशीन में हम जैसा भी ईंधन डालते हैं, वो ईंधन असरदार तभी होगा जब वो आसानी से जलेगा। कारों में जैसा पेट्रोल डाला जाता है वो अलग होता है, ट्रैक्टर में अलग पेट्रोल डाला जाता है, रेस कार में अलग, हवाई जहाज में अलग। फर्क ये है कि कुछ पेट्रोल आसानी से जलते हैं। आपने पेट्रोल पंप में 87, 89, 90, 91, 93, 96 अलग अलग ऑक्टेन स्तर देखे होंगे। जब हम मोटरसाइकिल चलाते थे तब हम 3 गुना भुगतान करके 100 ऑक्टेन पेट्रोल खरीदते थे, क्योंकि वो पेट्रोल डालने से मोटरसाइकिल अचानक दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करती है। तो आप अच्छे से जानते हैं, सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है। पाचन का अर्थ है जठराग्नि, यानी पाचक आग। ये आग सबसे अच्छे से तभी जलेगी जब फल खाए जाएंगे। सिर्फ वे लोग जो जड़ता में खुश हैं, यानी एक हिस्सा मृत होने पर वे खुश हैं, इसे मजाक न समझें। ऐसे कई लोग हैं, दुर्भाग्य से कई लोग सुस्ती और जड़ता का आनंद लेते हैं, यानी उन्हें जीवन ने छुआ नहीं है। तो सोना, नशा करना, अधिक खाना और बस लेट जाना, जीवन में जीवित, सक्रिय और गतिशील रहने से बेहतर लगता है। तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति के लिए फल से समस्या हो सकती है, क्योंकि फल आपको सतर्क और जागृत रखेगा या आपको नशा नहीं देगा, बशर्ते कि ये सड़ ना जाए। तो इसमें वो गुण भी है, आपको बस रुकना होगा। जागरूकता के ऊंचे स्तरों से भी व्यक्ति आनंद और नशे के चरम और गहरे आनंद को जान सकता है। पर आपका सवाल है, मैं सामान्य होकर भी फल खा सकता हूं, या मैं फल खाकर भी नॉर्मल हो सकता हूं? आप जानते हैं, आदम ने भी फल खाकर शुरुआत की थी। With a fruit. तो फल के बारे में हमें समझना चाहिए कि फल ऐसी चीज है जिसे प्रकृति खुद भोजन बनाना चाहती है। यानी ज्यादातर फल जो आप देखते हैं, मान लीजिए कि आम या सेब, मई का महीना होने के कारण मैं सेब की बात नहीं करूंगा, मैं आम की बात करूंगा। बीज आम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गूदा सिर्फ एक आकर्षण है ताकि
जानवर और पक्षी इसे खाएं और बीज कहीं बहुत दूर छोड़ आएं। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सरल उत्तर आपके जीने के तरीके में ही है। मान लीजिए आप एक अस्पताल में बीमार हैं, आप एक अस्पताल के बिस्तर पर हैं, तो कोई भी चिकन बिरयानी नहीं लाएगा, है ना? वे फल लाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी समझते हैं कि ठीक है, ये खाकर तुम बीमार हो गए, कम से कम अब समझदारी से खाओ, यही संदेश है। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। पर अगर आप मेहनत का काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बाहर खुदाई कर रहे हैं हर रोज शारीरिक रूप से, मशीन से नहीं, आप खुद खुदाई और बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, तो फल खाकर आपको हर 2 घंटे में भूख लगेगी, क्योंकि आप सीमित मात्रा ही खा सकते हैं। पर यह जल्दी पचता है और पेट खाली हो जाता है। जब तक आप जागरूकता के एक स्तर पर नहीं आ जाते जहां आप खाली पेट रह पाएं और फिर भी ऊर्जावान रहें, क्योंकि भूख यानी ऊर्जा का कम होना, जैसे आपकी बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए खाना जरूरी है। लेकिन आज काफी लोग, या ज्यादातर लोग मैं कहूंगा, जब उनका पेट थोड़ा खाली होता है तो उनका खाने का मन करता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी जागरूकता की जरूरत है कि आप खाली पेट रहकर भी ठीक रहें, क्योंकि आप में ऊर्जा होगी। जब ऊर्जा कम होने लगे तब आप खाएं। तो यदि आप सिर्फ फल खाएंगे, यू मे हैव टू ईदर स्पेंड लिटिल मोर टाइम ऑन द लंच टाइम एंड ईट स्लोली सो दैट यू इंजेस्ट इनफ फ्रूट। तो आपको दोपहर के भोजन में थोड़ा ज्यादा समय बिताकर धीरे धीरे खाना होगा, ताकि आप काफी फल खा सकें, क्योंकि थोड़ा खाकर पेट भरा महसूस होगा, क्योंकि फल मीठा होता है। तो रुक रुक कर धीरे धीरे खाना होगा। हमारे अंदर एक बायो क्लॉक भी है। मान लीजिए आपका सामान्य पका हुआ खाना खाने में आप 10-12 मिनट लेते हैं, तो फल खाते हुए भी 10-12 मिनट में आपका शरीर कहेगा काफी हो गया, तो आपको सचेत रूप से ज्यादा खाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ समय का ध्यान रख रहा है, ये पेट के भर जाने को नहीं देख रहा। तो 10-12 मिनट के बाद लगता है पेट भर गया, तो ज्यादा समय लेकर ज्यादा खाना होगा। पर अगर आप सिर्फ फल खा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन में 3 बार खाएं, जो आप में से ज्यादातर शायद कर ही रहे हैं। तो दिन में 3 बार, अगर आप 6 या 8 घंटे सो रहे हैं, तो बाकी के 16 से 18 घंटे 3 बार खाना काफी है, अगर आप फल खा रहे हों तो। पर पेट 2 घंटे में खाली महसूस होगा, तो आपको उच्च ऊर्जा पर खाली पेट के साथ रहने की आदत डालनी होगी। तभी आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है, तभी आप एक इंसान के रूप में सबसे अच्छा काम करते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप अपनी दिमागी शक्ति और शारीरिक गतिविधि का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल काम करेगा। पर आज बाजार में जो फल मिलता है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या भरा होता है। ये एक छोटी सी समस्या है, क्योंकि मैंने ये साफ देखा है कि जैसे देसी फल हम बचपन में खाते थे, और आज खेत में उगाए गए फल जो भारत में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पूरी तरह से एक अलग मामला है। भारत में भी वे अब अलग हैं, वे बहुत बड़े, गोल, बेहतर दिखने वाले हैं, पर ये बोटॉक्स की तरह है, ये काम नहीं करता। मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें शक्ति और जीवंतता का वो स्तर नहीं है, क्योंकि ये बाजार के लिए बनाए गए हैं, न कि इंसान के लिए। ये फल मूल रूप से बाजार के लिए बनाए जाते हैं, यानी ये नहीं कि वे बिल्कुल बेकार हैं, पर उनमें पहले जैसा पोषण नहीं है।
तो हमें उनके साथ कोई दूसरा भोजन खाना पड़ सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं और मौसमी रूप से विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि किसी समय पर भूमि जैसे फल पैदा करती है वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस बारे में काफी रिसर्च हुई है, कैसे उन मौसमों में जब ठंड होती है, जब गर्मी होती है, जब नमी ज्यादा होती है, सही प्रकार का फल धरती से निकलता है। यदि आप उस जगह के फल खा रहे हैं पर अब आप न्यूजीलैंड से आए फल खा रहे हैं, ये अलग बात है। अगर आप आसपास की भूमि के फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है, तब वही फल खाना सबसे अच्छा है। सबसे बढ़कर ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम एक अभियान चला रहे हैं कि सभी कम से कम 30% सिर्फ फल खाएं, यानी आपके आहार का कम से कम 30% फल हो जाए। क्योंकि अगर आपके भोजन का 30% पेड़ से आता है, जोती गई भूमि और फसल से नहीं, तो पर्यावरण के स्तर पर यह बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और अगर आप काफी मांस खाने की जगह फल खाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपको बहुत भारी भोजन खाकर पृथ्वी पर गिरने की आदत है। मैं चाहता हूं कि आप समझें। Anyway, you will be pulled down to the earth. That's the nature, okay? But right now, what is called life is that we spring out as if we don't belong. वैसे भी आपको धरती पर गिरना है, यही प्रकृति है, ठीक है? पर अभी जीवन ये है कि हम ऐसे हैं जैसे कि हम धरती के है ही नहीं। हम ऐसे उड़ते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम धरती से बने हैं। उड़ने वाला पक्षी भी धरती का बना है, पर जब वो उड़ता है तो पृथ्वी जैसा नहीं दिखता। तो हर प्राणी जब वो धरती से अलग होता है तब उसे धरती जैसा नहीं दिखना चाहिए। हम पृथ्वी के ही हैं, और अगर हम उड़ना चाहते हैं तो हम जो ईंधन अंदर लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी और बहुत आसानी से जल जाए। आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है। हमारे पेट में फल ही सबसे तेज पचते हैं, यानी कम से कम कचरा, सिस्टम पर कम से कम बोझ, सिस्टम में कम से कम तनाव, तो इससे जरूर बड़ा अंतर पड़ेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने लगभग 1008 दिन सिर्फ संतरे खाए। इस महिला ने 1008 दिनों तक सिर्फ संतरा खाया। शुरुआत में उसे कई बीमारियां थीं, उसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुझे नहीं पता क्या क्या था। मुझे बीमारियों की सूची बताई गई थी, थायराइड, गंभीर थायराइड के मुद्दे, अधिक वजन। 1008 दिनों तक सिर्फ संतरे खाकर 20 साल जवान, शक्ति से भरपूर और स्वस्थ महसूस करने लगी। एक व्यक्ति ने ऐसा किया। कृपया सिर्फ संतरे न खाएं, संतरे कम पड़ जाएंगे, या कम से कम फ्लोरिडा चले जाएं। हां, फल एक अद्भुत बदलाव लाएंगे, विशेष रूप से आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम एक इंसान को महत्व देते हैं। कार्य क्षेत्रों में इंसान का उनकी दिमागी शक्ति की वजह से महत्व है, न कि उनकी ताकत की वजह से। अगर आप पहलवान न हो तो ठीक है, तो इसके लिए फल से जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और पर्यावरण के स्तर पर यह सबसे समझदार चीज है। फल और मांस के बीच एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, मान लीजिए कि आपको सिर्फ मांस पर जीवित रहना है, तो अनुमान है कि एक व्यक्ति के लिए 1 साल का मांस पैदा करने के लिए 15,000 लीटर पानी चाहिए, और फलों का आहार हो तो 300 लीटर पानी चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए, सभी नदियां फिर बहने लगेंगी।